दोस्तों, मैं रूप सिंह। तो आज कुछ खास लेके आए हैं वापस, एक्रिलिक है जो भी दिख रहा है। एक्रिलिक में नीचे डोर ऊपर और एंड लेमिनेट में है, और ये फ्रॉस्टेड ग्लास के डोर है। किचन में किस तरीके से ड्रॉ किए गए वो सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे नीचे प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, और ये प्रोफाइल डोर है क्रॉकरी के लिए। तो और सॉफ्ट क्लोज ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाते हैं, ये ऑन के लिए ऑन रख सकते हो आप बेहतर। और दूसरी खास बात ये है कि आप यहाँ पे टेंडर बॉक्स के ड्रॉर है, सब टेंडर बॉक्स है, इटीज कंपनी के हैं, वैसे टेंडर बॉक्स सब लगे हुए। और वापस इस साइड कॉर्नर में भी दो डोर है, बीच में सेल्फ है, और ये आप ऐसे कॉर्नर यूज कर सकते हो उस प्रकार से। और नीचे वापस ये टेंडर बॉक्स ड्रॉर है छोटे मोटे, तो आप छोटे मोटे सामान रख सकते हो। और ऊपर वापस पूरा देख सकते हो आप, और हैंड बॉक्स है सब, साइड ओपनेबल डोर है। और ये जो चिमनी के साइड में राइट साइड में हाइड्रोलिक डोर है, ताकि आपको आसान इजी रहे। और जो दूसरा खास बात है कि जो चिमनी का पैनल है, कई बार लोग कैसे ऐसे फिक्स ही कर देते हैं, ताकि ये अपना खुलता भी है ऐसे ऊपर की साइड, ताकि आपको चिमनी को कभी खोलना है तो पैनल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऊपर की ओर खोल सकते हो। और ये नीचे का वापस ही है, पता ही है आपको, दिखाई कई बार वीडियो में, जैसे कटलरी आ गया है चम्मच चाकू रखने के लिए, और कप सोसर रह गए, और ये थाली रह गए। वापस इस साइड ये अहम बात है कि एक्रोगार्ड कभी भी लगाते हो तो एक्रोगार्ड के नीचे पलाई और पीछे पलाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना एक्रोगार्ड आ जाएगा, तो इसलिए इसके पीछे पलाई नहीं लगाया गया है। और ये वापस स्टोर बॉक्स है, आप स्टोरेज रख सकते हो, और वापस इस साइड भी स्टोरेज बॉक्स हो गया है। तो इस तरह से अपना कुछ किचन था, कैसा लगा मन की भावना कमेंट में जरूर बताइएगा।